अब हम जिस फंक्शनैलिटी की बात करने लगे हैं वो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की फंक्शनैलिटी है ऑफ सेल्सफोर्स ऑटोमेशन। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन एनेबल्स सेल्स पीपल और देयर कस्टमर्स देमसेल्फ ऑटोमेटिकली टू डिजाइन द प्रोडक्ट और द प्राइसिंग, कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमाइज सर्विसेज और बोथ। सो ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की फंक्शनैलिटी का ये है कि आप खुद एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और द कस्टमर इटसेल्फ और द कस्टमर देमसेल्फ कैन डिजाइन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट देयर ओन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जिस तरीके से डेल ऑनलाइन ऑफर करता है कि आप अपनी लिए यू कैन डिजाइन योर ओन लैपटॉप और योर ओन मशीन और योर ओन पीसी, सो यू कैन सेलेक्ट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड यू कैन डिजाइन योर ओन प्रोडक्ट। मैं अगर एक और एग्जांपल की बात करूं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, सो आपके पास जीप की एग्जाम्पल बहुत ही विजिबल एग्जाम्पल है, वेयर यू कैन बिल्ड योर ओन जीप और आपके पास डिफरेंट तरह के टूल्स मौजूद हैं, आप डिफरेंट तरह के फीचर्स मौजूद हैं, आप सेलेक्ट करेंगे अपनी पसंद की जीप बनाएंगे एंड अल्टीमेटली यू कैन सी दैट कि वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग एंड एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेदर सीट्स रिक्वायर्ड हैं तो यू कैन हैव द लेदर सीट्स, सो प्राइस विल चेंज अकॉर्डिंगली। इफ यू वॉन्ट टू हैव अलॉय रिम तो आपकी प्राइसिंग विल चेंज। इफ यू वॉन्ट टू हैव द प्रोडक्ट ऑटोमेटिक द प्राइस विल चेंज। इफ यू वॉन्ट टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो इनसाइट मटीरियल, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस विल चेंज। सो आपकी प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की फंक्शनैलिटी ये अनेबल करती है कस्टमर्स को भी, आपकी फैक्ट्री अनेबल करती है आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी कि दे कैन कॉन्फ़िगर द प्रोडक्ट और सर्विसेज और आपका कस्टमर बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ओन करते हुए अपने लिए खुद ही प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन कर सकेगा। इसके बाद हम जिस फंक्शनैलिटी की बात करेंगे वो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की है, जिस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी के वो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस का किसी तरीके से विजुअलाइजेशन दे सके, अगर तो वो सॉफ्टवेयर है तो मे बी उसका डेमो दे सके, अगर तो वह प्रोडक्ट है मे बी उसका सैंपल शेयर किया जा सके। सो प्रोडक्ट का विजुअलाइजेशन थ्रू दिस सिस्टम थ्रू द ऑटोमेशन जब भी होगा तो ये आपका सेल्स फोर्स की फंक्शनैलिटी के तहत होगा। सो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर अनेबल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कस्टमर्स टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर दे आर मैन्युफैक्चर्ड। दिस इज यूजफुल एप्लीकेशन व्हेन इट इज लिंक्ड टू दी प्रोडक्ट कन्फिग्रेशन फंक्शनैलिटी। सो अगर प्रोडक्ट कन्फिग्रेशन फंक्शनैलिटी के साथ ये लिंक होगी सो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देन स्टैटिक इमेजेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ स्टिम्युलेटेड अ काइंड ऑफ 3D अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेड रियालिटी के तौर पर भी। एनिमेटेड विजुअलाइजेशन कैन बी रेंडर्ड इन डिफरेंट वेज टू शो हाउ द प्रोडक्ट आर बिल्ट, how the products are installed and how the products can be used. So aapki jo product visualization ki functionality hai wo aapko product ki visualization deti hai, wo beshak 3D ho 4D ho, wo beshak aapki kisi bhi format mein ho, either static images ki form mein ho either drawings ki form mein ho, so aapki functionality aapko ek agle step ke upar lekar aati hai jahan pe actually you can see a kind of prototype of your product before it is manufactured or before it has been delivered to you. Iske baad hum jis functionality ki baat karenge wo proposal generation ki hai. Aapke customer ke liye proposal generate karna is one of the core tasks of the sales representatives. So proposal generation software allow users to create customized branded proposals for the customer. इसका जो सबसे अहम बात है वो कस्टमाइजेशन ऑफ दी प्रपोजल्स है, विच मींस फॉर एवरी कस्टमर देयर कुड बी डिफरेंट प्रपोजल, सो यू कैन प्लग एंड प्ले डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोटेशन एज पर दी नीड्स ऑफ दी कस्टमर। यूजर ड्रॉन इंफॉर्मेशन हेल्ड इन वन और मोर डेटाबेसेस टू क्रिएट प्रपोजल्स
which can contain anything. Could be product images, could be related to prices, could be related to the product brochures, could be related to either resumes, either references, anything related to anything required could serve, could be delivered under this proposal generation. Because for example, aap ek proposal generate karte hain, and now the customer wants ki kya aapki organization ek registered organization hai, kya aapki organization ek taxpayer organization hai, kya aapki organization ki a payment history strong hai. So tamam cases ke andar there will be set of documents which will be required by the customer. To aapki ye order management proposal generation wali functionality aapko help karegi ki aap tamam set of documents you can have them into this functionality taaki aap apne customer ko a comprehensive proposal de sake as per his requirement. Aur customer ko agar uski requirement ke accordingly proposal milega, so there is a probability and there is a possibility that that particular lead or the prospect will qualify and ultimately will turn out to be your customer. Iske baad hum baat karenge jis functionality ki, that is quotation management. Aap samajhte hain ke customer ki inquiry ke against usko jo pehli cheez aapne deni hai, that is the quotation. So quotation management software ya functionality allow representatives and managers to quote for an opportunity or to quote for an inquiry. This software allows users to create, edit, approve and produce costed customized proposals for the customers. Objective kya hai? Objective ye hai ki aap customer ka, because it is the first kind of interaction with the customer in the form of quotation, so it should be comprehensive enough ki aapke customer ki need ko fulfill kiya ja sake. Objective kya hai? Objective ye hai ki aapka wo prospect customer ban sake, to first step ke upar ya initial steps ke upar usko kisi bhi tarike se mishandle karne ke liye organization cannot afford to do that. So if the organization is intended to make that customer into from the prospect to customer, they need to make sure that that particular customer has been given a proper comprehensive quotation through the system as per required by him, as per his needs, taake wo future mein aapke liye ek behtar client ban sake.